अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र तिगो की हाल है ठीक ठाक हो ते आज शिमला मिर्चा पकान लगे हो तुन का अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल सब का ठीक ठाक है हरिया से हैं आज दादा मां शिमला मिर्चे बनाने लगी हैं वो आपको बना के दिखाते हैं किस तरीके से बनाते हैं लें जी माशाल्लाह जी दादा मां ने कढ़ाई ऊपर रख ली है दादा मां सबसे पहले क्या डालना है ठीक है जी आयल है कितना आयल है एक कप आयल है जी माशाल्लाह जी आयल डाल ली है अभी आयल गर्म होगा तो फिर हम प्याज डालेंगे नहीं जी आयल गर्म हो गया और अभी दादो माँ प्याज डालने लगे हैं कितने दादो माँ जी प्याज है ठीक है जी दो बड़े साइज के प्याज हैं नहीं जी माशाल्लाह दादो माँ जी अभी इनको ब्राउन कर लेना है जी माशाल्लाह जी दादो माँ प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे लें जी प्याज ब्राउन हो रहे हैं और साथ में दादो माँ अभी क्या डालना है ठीक है जी एक चम्मच अदरक का पेस्ट है और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है जी नहीं जी माशाल्लाह जी दादो माँ जी प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अभी क्या डालना है टमाटर तरना मत ठीक है जी कितने टमाटर हैं दो टमाटर ने चार पांच मिर्चें ठीक है जी दो टमाटर और चार पांच सब्ज मिर्चें हैं नहीं जी माशाल्लाह जी दादा माँ ने इनको डाल ली है रबी दादा माँ जी क्या डालने लगे हैं एक चम्मच हल्दी है एक चम्मच सुरख मिर्चा एक चम्मच लून ठीक है जी एक चम्मच नमक एक चम्मच सुरख मिर्च और एक चम्मच हल्दी है नहीं जी माशाल्लाह जी अभी दादा माँ मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे दादा माँ जी अभी मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना मसाले ठीक है जी दादो माँ मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से आपने मसाले को भून लेना है अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्र तिगो की हाल है ठीक ठाक हो और सारी खैर मेरे पुत्रां धियां दी अल्लाह पाक तुम जिंदगियां दे तंदरुस्तियां दे आमीन अल्लाह मेरियां धियां नूं तंदरुस्ती दे मेरे पुत्रां नूं दे देसियां परदेसियां ते खैर करे मौला दी जात आमीन अल्लाह मेरियां धियां दियां झोलियां हरियां भरियां करे आमीन पुत्रां दियां बरकतां पाए कमाईआं च अल्लाह उहनां दे बच्चिआं नूं फरमादार बनाए अपने मापिआं नूं आमीन अल्लाह नेक करे ने अल्लाह पढ़दे ने ते अल्लाह वड्डियां नौकरियां उहनां नूं ते दे दे आमीन अल्लाह माफी दा फरमादार बनाए ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮਸਾਲਾ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਕਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਭੀ ਕਾ ਡਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚੇ ਡਾਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਨੀ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਭੀ ਦਾਦੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇਨਕੋ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਵਿਆਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਹੈ आज तो दादो माँ स्पेशल प्याज और शिमला मिर्चे बना रहे हैं ये दादो माँ की बहुत ही फेवरेट है लें जी माशाल्लाह जी देख सकते हैं दादो माँ आहिस्ता आहिस्ता आग पे इनको अच्छे तरीके से भून रही हैं शिमला मिर्च को इस तरीके से आपने इनको भूनते रहना है दादो माँ जी इनको कितना टाइम भूनना है ठीक है जी 10 से 15 मिनट तक इनको अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि इसमें पानी नहीं डालते
ये खुद ही अपना पानी छोड़ती हैं। इसको आप ढक के रखें ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। दादी माँ जी तैयार हो गई हैं जी। लें जी माशाल्लाह जी हमारी फाइनल हंडिया रेडी हो चुकी है। दादू माँ जी अभी लास्ट पे क्या डालना है? गरम मसाला ते मेथी। ठीक है जी, अभी दादू माँ लास्ट पे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा गरम मसाला और सूखी मेथी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं जी माशाल्लाह जी हमारी फाइनल हंडिया रेडी हो चुकी है जी। अच्छा तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।